तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अभी शेनंग में। तो देख सकते हैं आज भी मौसम कुछ साफ साफ ही है, धूप खिली है बढ़िया। तो अब बकरियों को छोड़ता हूं मैं, घास डालता हूं। पहले घास है निकाला हुआ है कल शाम को, तो अभी पहले मैं घास डालता हूं, उसके बाद बकरियों को छोड़ूंगा, गाय को छोड़ूंगा, फिर दूध निकालूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मौसम कुछ आज ऐसा बना हुआ है साफ साफ। दोस्तों, घास डाल दिया है, अब सबसे पहले इनको छोड़ता हूँ। आजा भाई बाल, आजा आजा, शाबाश। ये देखिए, पहले मैंने इनको छोड़ दिया है। ओहो हो, परे को भाग रहे हैं ये तो। रुक जा रुक जा, कूश 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 कूश, चल परे चल परे परे चल परे चल जा चल बड़े। हाँ, यहाँ बैठ। दोस्तों, मैंने नलका खोल दिया है पर पानी जमा हुआ है शायद, तो फिर मैं गर्म पानी लेके आया था घर से। तो देखते हैं गर्म पानी लगा के खुलता है या नहीं खुलता है। तो ये मैं गर्म पानी लगा रहा हूँ पर लग नहीं रहा है आज खुलने वाला है, क्योंकि काफ़ी ठंड हो गई है। तो इस वजह से देखते हैं खुलता है नहीं खुलता है। आज लग नहीं रहा है खुलेगी यार, काफ़ी जमा हुआ है ऐसा लग रहा है। नहीं दोस्तों, नहीं खुल रहा है, शायद काफ़ी जम गया है। यस, बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है धीरे 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 धीरे, गर्म पानी लगाने के बाद जो है ये आ जाएगा आराम से। ये देखिए दोस्तों, आ गया पानी, ये आ गया पानी, देख सकते हो आप। जी हाँ, तो दोस्तों आजकल इतनी ठंड है कि इस तरीके से नलका जो जम जाता है तो गर्म पानी लगा के खोलना पड़ता है, उसके बाद खुल जाता है। दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने छोड़ दिया है बकरियों को। ये गाय है, अच्छा भाई गाय गाय, तो ये परे वाले इधर रहती है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बकरियाँ हैं, तो अभी कल इनका ऊन काटा था, तो देख सकते हैं कैसे दिख रहे हैं ये ऊन काटने के बाद। अभी मैं आप लोगों को एक बकरी का बच्चा दिखाता हूँ। वो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसमें काफ़ी छोटा था, तो यहाँ देखिए कहाँ छिपा हुआ है। हट, यहाँ देखिए कितना बड़ा हो गया है ये। यहाँ देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, ये देखिए बहुत बड़ा हो गया है अभी। तो ये इस तरीके से सवेरे सवेरे गेड़ा देते अपने खाने को, कैसे खाते देखिए। अभी ऊन काट के सभी पतले पतले दिख रहे हैं थोड़े। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल परसों पिछले एपिसोड में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हमारे सब्सक्राइबर ने कि आप गाय को बर्फ़ में क्यों बांध रहे हो। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं गाय को बर्फ़ में नहीं बांधता हूँ। देखिए, गाय को तो मैं बांधता ही नहीं हूँ, गाय को मैं खुला ही छोड़ के रखता हूँ पूरा दिन। तो ये धूप में ही रखता हूँ। यहाँ देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है, ये अंदर खुड है, तो यहाँ से अंदर रखते हैं रात को, और दिन को जो है धूप सेकने के लिए यहाँ बाहर रखते हैं। यहाँ देख सकते हैं बढ़िया धूप लगी है, अभी दूध निकालूंगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये लकड़ी का बना हुआ है इनको गाय को पानी पीने के लिए। ये काफ़ी पुराने टाइम का है, तो पहले इस तरीके से बनाया जाता था। इसको बोलते हैं हमारे बोली में खोल्डिंग बोलते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फटाफट दूध निकाल लेता हूँ। तो दूध निकालते समय ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बात करूँगा तो ये लत भी मारती है कभी कभी, जब इसका मूड नहीं होता है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, अभी काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों, दूध भी निकाल दिया है, देख सकते हैं आप, गाय को मैंने घास डाल दिया है, खा रही है बढ़िया से। तो अब चलता हूँ मैं भी घर की ओर। तो दोस्तों, आज
खेत में जाना है, देखते हैं बर्फ़ पिघला नहीं पिघला है। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ खेत की ओर। तो आज हम कटिंग करने वाले हैं। तो यार मौसम तो साफ है दोस्तों, धूप निकलती है तो काफ़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है धूप निकलेगी तो। देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं बगीचे में। तो अभी यहां बर्फ दिख रहा है चारों तरफ। इस साइड को धूप कम पड़ती है तो इस वजह से हमारे इधर काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ टिका रहता है। तो देख सकते हैं आप। तो आज हम कटिंग शुरू करेंगे फिर से। तो हमने दिसंबर में छोड़ दिया था कटिंग करना क्योंकि काफ़ी ठंड हो गया था उसके बाद। तो अब फिर से शुरू करेंगे कटिंग करना, अभी काफ़ी बचा हुआ है कटिंग करने को। तो आज के बाद हम कटिंग करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। तो अभी हम कटिंग करेंगे। देख सकते हैं खेत में कुछ इस तरीके से बर्फ़ दिख रहा है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद। पर हम जब तक धूप नहीं छिपेगी तब तक हम कटिंग करेंगे, उसके बाद हम घर को निकल जाएंगे। तो आइए कटिंग करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो कटिंग करने के बाद जब हम मोटी टहनियाँ काटते हैं तो उसमें इस तरीके से ब्लाइट ऑक्स का पेस्ट लगाना पड़ता है जिससे कि पौधा सूखे ना। तो देख सकते हैं काफ़ी हैवी कटिंग हुआ है यहाँ पे। तो इसमें इस तरीके से ब्लाइट ऑक्स लगाया जाता है, ब्लाइट ऑक्स अच्छे से लगाना पड़ता है ताकि पौधे में कोई बीमारी ना आए। अगर ब्लाइट ऑक्स नहीं लगाते तो कैंकर जैसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है पौधे को। तो देख सकते हैं मौसम खराब हो रहा है कुछ। यहाँ तो बर्फ़ है अभी चारों तरफ। तो आप ये पिछले बार का कटिंग हुआ है यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से है। तो इसमें भी हम लगा देते हैं ताकि ये सूखे ना।
तो दोस्तों चलते हैं अब घर की ओर। कटिंग बहुत कर लिया आज, बहुत क्या है यार, ठंड बहुत है आजकल, मड़प में ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं अब कल आएंगे। धूपी छिपड़ी है, कुछ मौसम ख़राब सा हो रहा है, बर्फ़ पड़ेगी तो बहुत बढ़िया है। तो ये कितना बर्फ़ है यहाँ पे, यहाँ पर है लगभग 1 फुट के करीब बर्फ़ है अभी, जहाँ पर धूप नहीं पड़ती है वहाँ पर, बाकी जहाँ धूप पड़ती है वहाँ पर 5-6-7 इंच है, क्योंकि पिघल जाता है। तो इस बार जैसे सर्दियों को बर्फ़ नहीं पड़ी थी, तो उस वजह से आजकल जो है ज़मीन काफ़ी गर्म हो गया है, तो बर्फ़ एकदम पिघल रहा है, जैसे धूप निकल रहा है तो गायब हो रहा है बर्फ़। तो अब देखते हैं, अब मैं सामान सामान अंदर रख देता हूँ डोबरी में, उसके बाद निकलेंगे घर की ओर। भूख भी लग रही है अब तो, तो ये डोगरी है, यहाँ पर रखते हैं ज़रा, मैं पहले लॉक खोल लेता हूँ। अभी यहाँ से नीचे आ गए मौसरे अति के पास, मौसरे भैया के पास, बोले तो कज़न ब्रदर हैं हमारे, तो ये भी कटिंग कर रहे हैं। महाराज चो छिपड़ी आओ, हमें क्या ही दे सकते आप। भैया ने बहुत ही शानदार कुटिया बनाया हुआ है यहाँ पे, मौसरे भैया ने, तो यहाँ से व्यू भी यार कुछ सुंदर दिखता है। तो आइए थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं इसको, देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार कुटिया बनाया हुआ है। बोले तो हमारे बोली में इसको डोंग बोलते हैं, तो बगीचे में हम गर्मियों को पानी पुनी लगाते तो यहाँ पर रहते हैं। ये कज़न ब्रदर है मेरे बड़े भैया, तो उनका है। यहाँ से व्यू देखिए कितना शानदार लग रहा है, ऑसम व्यू दिख रहा है यहाँ से, गर्मियों को तो और शानदार दिखता है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे डोंग के घर, बहुत ही शानदार बनाया हुआ है मौसरे आचो ने, ऑसम बनाया हुआ है। गर्मियों को कराऊंगा आपको यहाँ का विज़िट, तो अभी तो जा ही रहा हूँ घर को। तो भैया जी और कदम भैया आ रहे हैं, वो दोनों पीछे भोजा बना रहे हैं मौसरे आते, तो मैं तो निकलता हूँ क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है, पैरों में बहुत बर्फ़ है यहाँ पर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप दोस्तों, ये डोंग कितना सुंदर लग रहा है बगीचे के बीच में, यूँ ऑसम दिख रहा है दोस्तों। काफ़ी दूर है तो उस वजह से दिख नहीं पा रहा है अच्छे से, पर गर्मियों को मैं आपको पक्का विज़िट कराऊंगा। अभी आजकल थोड़ा ठंड है, व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है वहाँ से, बहुत शानदार व्यू दिखता है पूरा नीचे का नज़ारा। तो दोस्तों मैं भी अब पहुँचने वाला हूँ घर, तो ठंड भी बहुत है, घर जाता हूँ, लोंगो खाऊंगा, बोले तो शील खाऊंगा, और उसके बाद गर्म चूल्हे के पास आग सेकूंगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएं। तो ठीक है, ओके बाय दोस्तों, कीप सपोर्टिंग दोस्तों।